नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के थाना फकरपुर में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। आपको बताते चलें, थाना क्षेत्र के एक 5 साल की अबोध बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अपने नाना के घर एक शादी में आई हुई थी। शादी के दौरान द्वार पूजा के समय बच्ची को गायब किया गया और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची जब वापस आई तो हाल जानकर सभी के होश फाफदा हो गए। पुलिस को सूचना दी और IPC की धारा 364, 376, 323 तथा पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वारदात की सूचना पर SP बहराइच भी मौके पर पहुंच गए, घटना की जानकारी ली। बहराइच से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जनपद बहराइच के थाना फकरपुर के जो कस्बा क्षेत्र है उसमें कल एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें एक 5 वर्षीय बालिका के साथ एक फहीम नाम के व्यक्ति ने रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के समय के बीच कुछ शादी समारोह में से अपने साथ ले लिए घर पर जाकर उसके द्वारा दुष्कर्म करने की घटना जो है वो बर्दाश्त में आई है। जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस ने मौके पर अपराधी हैं उसको हिरासत में ले लिया गया है। जो बालिका के जो महिला हैं वहाँ से तहरीर लेकर मुकदमा तत्काल संबोधित किया गया है। बालिका का मेडिकल हाथी में करवाया गया है। इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जानी है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसी घटनाओं के प्रति पुलिस बहुत सख्त है। आने वाले दिनों में इस अपराधी के खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई है हमारे द्वारा की जाएगी और अतिशीघ्र इसमें चार्जशीट लगाकर इसको सजा दिलवाने का काम करेंगे।